स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अपनी पिछली क्लास में अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा है, ओके। यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा है, और आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। एक और देखो, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं टेंस की, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब, उनमें जिन जिन हेल्पिंग वर्ब्स के लास्ट में एस आता है, वो सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम आती है। ऐसे देखो, एक थ्योरी बन जाती है, सिंगुलर शुरुआत किससे हो रही है, एस से हो रही है। अब जिन जिन हेल्पिंग वर्ब्स के लास्ट में एस आएगा, वो सारी सिंगुलर के साथ आएंगी। जैसे देखो, इज, डज, हैज, वॉज, इनके साथ ही आता है लास्ट में एस। ये सारी सिंगुलर के साथ काम में आती है, ओके, ध्यान में रखना ये बात। हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब देखो, इनमें विथ सिंगुलर सब्जेक्ट इच, विथ प्लूरल सब्जेक्ट आर, और विथ आई एन। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड एनी वन नाउन is given in a sentence, we use is with plural, you, we, they and two noun, and more than two noun we use are, and with I we use am, okay। next है main verb, main verb first form plus ing। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे, ओके। इसके बाद इस टेंस की क्या पढ़ेंगे अपन, एडवर्ब्स के बारे में, एडवर्ब्स, ठीक है। इनको अंग्रेजी पहचान भी बोलते हैं, कि इंग्लिश का जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको आप आइडेंटिफाई करो, तो आपको इनको एडवर्ब होती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि विच टेंस इज यूज इन दिस सेंटेंस, ओके। एडवर्ब्स हैं इसकी, नाउ, एट दिस टाइम, At this moment, at present, now, at this time, at this moment, at present, this morning, this evening, this morning, this evening, currently, currently, these days, nowadays, ये इसकी क्या है, एडवर्ब्स हैं, these days, nowadays, okay, tonight, today, ओके। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, एडवर्ब्स इज, एम, योर, सॉरी, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली, दिस डेज, नाउ ए डेज, टू नाइट और टूडे, और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ अपन इज यूज करेंगे, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट इज,
एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और फुल स्टॉप। नंबर टू नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट। एट नंबर थ्री सब्जेक्ट इज एम आर नॉट फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ओके ये लास्ट में देखो, ये लिखा ओ डब्ल्यू अदर वर्ड एडवर्ब वगैरह और बी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट नंबर थ्री इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगेंस विद हेल्पिंग वर्ब। टू टाइप्स के होते हैं, बिगेंस विद डब्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। यहां अपन केवल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। ओके इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां देखो क्या है, इज एम आर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। और नंबर फोर इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेज इज एम आर सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ओके स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में सेंटेंस नेगेटिव पूछा इंट्रोगेटिव पूछा तो आप वहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फील करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए सेंटेंस की। ओके अब देखो अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है I blank you at this time, verb teach। अब देखो first of all we identify tense of sentence and identify adverb at this time। At this time adverb वो present continuous tense, it means present continuous is used in this sentence। Okay सो वी यूज एच एम आर एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब देखो आपको पता चलना चाहिए एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का नाम माइंड में आते ही आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि एच एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एच एम आर। आपको पता चल गया क्या होती है, इज एम आर होती है। इन तीनों में से यहाँ पे अपन को एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, विद आई वी यूज एम। अब देखो कैसे पता चला इज, इसके लास्ट में क्या है एस है तो ये तो सिंगुलर के साथ काम में आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब आई सिंगुलर नहीं है, आपको पहली जो पिछली अपनी क्लास है उसमें बताया कि आई प्रेजेंट में अपने साथ प्लूरल वर्ब रखता है, तो आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, इज नहीं आना है, आर प्लूरल अपने साथ रखता है बट प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के लिए क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम। अब देखो स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो अपन ने कहाँ लिखा था, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है उसके बाद क्या आ गया, एम, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फील कर ली अपन ने। अब आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लगेगा, आई एन जी, तो टीचिंग, आई एम टीचिंग यू एट दिस टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल मोहन ब्लैंक
ए क्रिकेट मैच एट प्रेजेंट। तो यहां भी देखो क्या एट प्रेजेंट, सॉरी दिस मॉर्निंग प्ले, दिस मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सो वी यूज इज एम आर, मोहन इज सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी यूज इज, फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दी हुई है प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लेइंग। अब दिस मॉर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो मोहन सिंगुलर है, अपन ने इज यूज किया और प्ले के साथ क्या लगा दिया आई एन जी, तो ये हो गया प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी ब्लैंक टू स्कूल दीज डेज इन ब्रैकेट नॉट गो। अब दीज डेज एडवर्ब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब होती है दीज डेज, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपको पता चल गया तो आपके ध्यान में यह आना चाहिए यहाँ पे इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब जिसको ये पता है कि वी प्लूरल सब्जेक्ट है वो तो यहाँ पे राइट हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, और ये आपको पता होना चाहिए कि वी क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के बारे में बताया है, ओके तो वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आर के बाद क्या आएगा स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है नॉट गो, इट मीन्स सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा नॉट आएगा नॉट, देन आफ्टर गो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी नॉट गोइंग, क्या आएगा नॉट गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दे ब्लैंक इंग्लिश टुडे इन ब्रैकेट नॉट लर्न, तो देखो टुडे एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके सो वी यूज इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, बिकॉज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म इज गिवन इन ब्रैकेट इट मीन सेंटेंस इज नेगेटिव, दे आर, अब देखो दे प्लूरल है तो अपन ने यहाँ क्या यूज किया आर, प्लूरल के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, दे आर नॉट लर्निंग, दे आर नॉट लर्निंग, ओके। एडवर्ब से यदि कोई सेंटेंस पूछा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो अपन ने आज की क्लास में जितना पढ़ा है वो यदि आपको कंप्लीट ध्यान में है तो आप ये इजी वे में इसको फील कर सकते हैं। अब इसके भी कुछ अदर यूजेज हैं जो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके थैंक्स।